हेलो स्टूडेंट्स मैं उसिल केश मैडम आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है डीबीएमएस uh, में आज हम पढ़ेंगे uh, एक नया टॉपिक जो कि है नो एसक्यूएल डेटाबेस तो चलिए शुरू करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस इंट्रोडक्शन इट इज़ कॉल्ड एज नॉट ओनली एसक्यूएल तो इसका मतलब होता है एक नॉट ओनली एसक्यूएल टू एम्फोसाइज दैट डिट सपोर्ट दी एसक्यूएल लाइक क्वेरीज तो ये एसक्यूएल लाइक क्वेरीज़ को वो सपोर्ट करता है डेफिनेशन अ नो एसक्यूएल रेफर्स टू नॉन एसक्यूएल और नॉन रिलेशनल इज़ अ डेटा बेस दैट प्रोवाइड्स फॉर स्टोरेज एंड रिट्रावल ऑफ डेटा तो ये क्या करता है सेम स्टोरेज करता है और रिट्राइव भी करता है जो कि नॉन रिलेशनल डेटा बेस दिस डेटा इज मॉडल दैट इज अदर देन द टैबुलर रिलेशन यूज इन रिलेशनल डेटा बेस तो रिलेशनल डेटा बेस जनरली टैबुलर होता है तो यहाँ पर ट्रैबुलर नहीं होता है यूज़ इसका क्या है रियल टाइम रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस और बिग डेटा फीचर्स कौन कौन से इसके फ्लेक्सिबल स्कीमा हॉरिजेंटल स्केलिंग फास्टर फास्ट क्वेरीज ड्यू टू द डेटा मॉडल ईज ऑफ यूज फॉर डेवलपर्स डेटा स्ट्रक्चर यूज आर डिफरेंट अदर देन बाई इन रिलेशनल डेटा बेस विच मेक्स द ऑपरेशन फास्टर इन नो स्केल तो रिलेशनल की जगह अदर डेटाबेस यूज़ करता है इसकी वजह से वो फास्ट हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर यूज ऑल्सो व्यूड एज मोर फ्लेक्जिबल दैन रजिशनल डाटा पेस तो यहाँ से ये मोर ज़्यादा फ्लेक्जिबल हो जाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं एडवांटेज यहाँ पर है फ्लेक्जिबल हाई स्केलेबल स्केलेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस फ्लेक्जिबल यानी कि एज दे स्टोर एंड कम्बाइन एनी टाइप ऑफ डेटा तो यहाँ पर कैसे होता है कोई भी टाइप का डेटा स्टोर होता है या कम्बाइन होता है दैट इज़ जो कि कोई भी स्ट्रक्चर हो या अनस्ट्रक्चर हो Highly scalable, it can scale and accommodate any type of data growth. वो क्या करता है किसी भी टाइप का डेटा ग्रोथ को वो स्टोर भी कर सकता है और अकोमोडेट कर सकता है हाई परफॉर्मेंस इट gives ग्रेट परफॉर्मेंस इन बोथ मेजर थ्रूपुट एंड लेटेंसी इसका परफॉर्मेंस हाई होता है डिसएडवांटेज कौन कौन से है यहाँ पर नैरो फोकस नैरो फोकस यानी कि इट गिव्स वेरी डिटेल फंक्शनैलिटी कम से कम फंक्शनैलिटी होता है नेक्स्ट ओपन सोर्स इट इज़ नॉन रिलायबल स्टैंडर्ड फॉर नो एस्क्यूएल ये एक ये कोई इतना रिलायबल नहीं है ओपन सोर्स मैनेजमेंट चैलेंज नो एस्क्यूएल इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन रिलेशनल डेटाबेस तो ये रिलेशनल डेटाबेस से भी कॉम्प्लेक्स है जी आई इज़ नॉट एवेलेबल जी ओ आई यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं जी यू आई मॉड मोड टूल्स टू एक्सेस डाटा बेस इज़ नॉट फ्लेक्जी फ्लैक्जिबल अवेलेबल बैकअप ऑफ डेटा बेस इट इज़ ए ग्रेट ग्रेट वीक पॉइंट तो यहाँ पर कोई बैकअप नहीं होता है तो so, ये एक वीक पॉइंट है जैसे कि मोंगो डी अभी हमारे पास टाइप्स ऑफ नो एस्क्यूअल डेटा बेस चार टाइप के नो स्क्यूअल डेटाबेस है uh, पहले है की वैल्यू डेटाबेस दूसरा देखेंगे डॉक्यूमेंट डेटाबेस नेक्स्ट कॉलम डेटाबेस और आखिर में हम देखेंगे ग्राफ डेटाबेस तो देखते हैं पहले की वैल्यू डेटाबेस की वैल्यू जैसे कि हम देखते हैं की वैल्यू जिस नाम से पता चलता है की होता है और एक वैल्यू होगा यहाँ पर तो सिंपलर टाइप ऑफ डेटा बेस वेर इच आइटम कंटेंस की एंड वैल्यूज तो हर एक आइटम में यहाँ पर एक की होता है और एक वैल्यू होता है वेर की इज़ यूनिक आई तो की कैसा होता है एक यूनिक आई होता है इट इज़ रो ओरिएंटेड नेक्स्ट फीचर्स आर लिस्ट कॉम्प्लेक्स लिस्ट कॉम्प्लेक्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रक्चरलेस तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इसलिए स्ट्रक्चरलेस है एग्जाम्पल यहाँ कौन कौन से है रेडिस मेम कैची डेटाबेस वर्ड मॉट को डायनामो डेटाबेस और रियाक इन फिगर बिलो की इज यूनिक आई डी वैल्यू इज एट्रीब्यूट तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रीन में सारे दिए है ये है कीज ये ये है कीज़ और येलो में जो दिए है ये सारे है वैल्यूज तो कीज़ uh, में क्या क्या स्टोर है नंबर स्टोर है वन टू थ्री फोर और वैल्यूज़ जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स है जो कि है नेम एज और हॉबी तो फर्स्ट की uh, में स्टोर है नेम है सचिन uh, और उनका हॉबी है राइटिंग और एज है थर्टी फाइव नेक्स्ट है प्रतीक जिनका हॉबी है कुकिंग एंड एज ट्वेंटी एट तीसरा है गौतम हॉबी है ट्रैवलिंग एंड एज़ ट्वेंटी सिक्स और आखिर में है प्रिया और एज ट्वेंटी टू है तो यहाँ पर हमने कोई हॉबी दिया नहीं है सो वी डोंट नो सो इट इज़ नॉट गिवन तो ये ऐसे फ्लेक्सिबल डेटा है जिस वजह से हमारा स्पेस सेव हो जाता है जैसे कि अभी हम सपोज़ एज्यूम करते हैं कि एक लार्ज डेटा है तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्पेसेस अगर हमने छोड़ दिए तो वो स्पेस वेस्ट हो जाता है तो यहाँ पर हमारा स्पेस सेव हो जाता है अगर हमें नहीं पता तो हम उसे ब्लैंक रख सकते हैं नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस। डॉक्यूमेंट डेटाबेस यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर देन की वैल्यू तो ये की वैल्यू से पहले वाले से ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ईच डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ पेयर ऑफ फील्ड एंड वैल्यूज जो कि की वैल्यू है हर एक डॉक्यूमेंट में हियर वैल्यू वैल्यूज स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्टोर होती है दे स्टोर द डेटा इन डॉक्यूमेंट सिमिलर टू ये कहाँ पर स्टोर होता है जैसे कि एक्स एम एल हो या तो जेसन हो जेसन मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एंड ऑब्जेक्ट्स दैट इज़ द वैल्यूज़ कैन बी अ वाइटी ऑफ टाइप्स ये को वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है जैसे कि कोई स्ट्रिंग है नंबर्स है बुलियंस है आरेज है एंड ऑब्जेक्ट्स इन दिस वैल्यू कैन बी स्टोर इन नंबर एंड कैरेक्टर ऑल्सो वेर एज इन की वैल्यू इट इज़ स्टोरड इन नंबर ओनली तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वैल्यू कैरेक्टर में भी फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकती है पर की uh, वैल्यू uh, में क्या होता है कि वैल्यू हमेशा की जो होती है वो हमेशा नंबर फॉर्मेट में ही स्टोर होती है एग्जांपल इसका है मोंगोडी बी मोंगोडीबी कॉच डेटाबेस एंड क्लाउडेंट अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट टू है तो डॉक्यूमेंट में आईडी है जो कि वन है प्रोडक्ट नेम इज ग्रीन टी और कॉस्ट है इसका ट्वेंटी यहाँ पर आईडी है टू प्रोडक्ट नेम इज ब्रेड और कॉस्ट है इसका फोर्टी तीसरा देखते हैं कॉलम डेटाबेस कॉलम डेटाबेस में क्या होता है दे स्टोर द डेटा इन टेबल रोज एंड डायनेमिक कॉलम्स तो यहाँ पर क्या होता है जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक कॉलम फॉर्मेट में स्टोर होता है जहाँ की एक टेबल्स और रोज होंगे यहाँ पर तो डेटा रिलेशनल डेटा स्टोर्स स्टोर डेटा इन कॉलम्स एंड रीड्स द डेटा वन रो बाय रो तो ये कैसे रीड करेगा रो बाय रो कॉलम स्टोर इज ऑर्गेनाइज अ सेट ऑफ कॉलम्स वेयर यू कैन रन ओनली अ फ्यू कॉलम्स एंड यू कैन रीड दोज कॉलम्स डायरेक्टली विदाउट कंज्यूमिंग द मेमोरी ऑफ अनवॉन्टेड डेटा तो यहाँ पर कैसे होता है रिलेशनल डेटाबेस में क्या हो जाता है कि अगर हमें कोई हमने कोई क्वेरी फायर किए अगर हमें एक रो भी चाहिए या एक कॉलम भी चाहिए उसमें से तो फिर भी उसको वो पूरा ही कॉलम पूरा ही टेबल उसको रीड करना पड़ता है यानी कि प्रोसेस करता है वो पर यहाँ पर क्या हो जाता है ऐसे नहीं होता है वो जो चाहिए उतना ही वो प्रोसेस होता है सो इट इज़ नॉट कंज्यूमिंग द मेमोरी कॉलम्स आर ऑफनली ऑफ़न ऑफ द सेम टाइप एंड बेनिफिट आर मोर कॉम्प्रेशन एंड मेक्स इन ट्रेडिंग फास्टर तो कॉलम जनरली सेम टाइप के ही होते हैं दैट इज़ अभी पहले हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पर एक कॉलम है आई डी नेम सिटी और एज आई डी है वन नेम है सौरभ जो कि जयपुर से है और एज इनका ट्वेंटी है नेक्स्ट है आई डी टू विशाल uh, जो कि न्यू दिल्ली से है और एज इनका है ट्वेंटी फाइव रिलेशनल डेटाबेस में कैसे हो जाता है कि हम लोग पूरा के पूरा एक रो स्टोर करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने एक पूरा एक रो स्टोर किया है यहाँ पर एक दूसरा रो स्टोर किया है कि वन सौरभ जयपुर ट्वेंटी फिर दूसरा रो रीड करेगा टू विशाल न्यू दिल्ली और ट्वेंटी फाइव पर नो एस क्यू एल डेटाबेस में क्या करेंगे वन ये पहले पहले वाला कॉलम डालेगा वन और टू फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम डालेगा सौरभ और विशाल ऐसे ही वो बाकी दो कॉलम्स भी डालेगा इसलिए पहले वन टू आया उसके बाद नेम्स आए उसके बाद सिटी आया और आखिर में एज आया तो इस वजह से क्या होता है हमको इट इज़ ईज़ी टू यूज़ द एग्रीगेट फंक्शंस लाइक मिनिमम मैक्सिमम एवरेज तो ये सारे एग्रीगेट uh, फंक्शन हमको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमको डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है अगर मैक्स ऑफ उस कॉलम में डालेंगे तो हमें आसानी से वैल्यू मिल जाती है एग्जाम्पल इसका है एच बेस बिग डेटा एक्यूमलो और कैसकेंड्रा अब आते हैं कॉलम वर्सेस रो ओरिएंटेड डेटाबेस की तरफ यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है हमारा एम्प्लॉय आईडी डी एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट और सैलरी एम्प्लॉय है आईडी है वन जीरो टू नेम है एम्प्लॉय का नेहा जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट से है और सैलरी है इनका फिफ्टीन थाउजेंड नेक्स्ट है वन ज़ीरो फोर राम जो कि एच आर से है और इनका सैलरी है थर्टी थाउजेंड आखिर में आता है वन जीरो सिक्स मोहन जो कि सेल से है इनका सैलरी है ट्वेंटी थाउज़ेंड तो रो ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होता है कि जो एज रो रो वाइज़ है इसीलिए वो सेम है इस तरह से ही है पर कॉलम ओरिएंटेड में क्या हो जाता है कि वो कॉलम वाइज स्टोर करता है मतलब ये कैसा है ये एक पूरा कॉलम यहाँ पर इस तरह से वो स्टोर करेगा Uh, जो कि वन जीरो टू वन ज़ीरो फोर और वन ज़ीरो सिक्स उसके बाद नेहा राम और मोहन फिर अकाउंट्स एच आर और सेल्स इस तरह से वो पूरा कॉलम वाइज स्टोर करेगा इसका मतलब है ये कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस। आखिर में आते हैं हम ग्राफ डेटाबेस की तरफ अभी सारे डेटाबेस में चारों डेटाबेस जो हमने पढ़े हैं उसमें से सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्राफ डेटाबेस है द स्टोर द डेटा इन नोड्स एंड एजेस तो यहाँ पर डेटा कैसे स्टोर होता है एक नोड और एज फॉर्मेट में स्टोर होता है नोड्स आर टिपिकली स्टोर इन द स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल तो ये नोड जो होता है वो कैसे इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है पीपल प्लेस थिंग्स वेल एजस्ट स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स तो एजस्ट क्या होता है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो एजेस इस तरह से स्टोर करता है इट इज़ कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एंड ईच नोड रिप्रेजेंट्स द एंटिटी तो हर एक नोड क्या हो जाता है एक एंटिटी होता है तो ये ब्लू ग्रीन और पिंक में जो है वो सारे एंटिटीज़ है सच एज अ पर्सन कनेक्शन बिटवीन टू एजेस और एग्जांपल है इसका इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक अमेजॉन तो अभी हम देखते हैं कि नेम जो दिया है हमने एंटिटी में सैम और सैम क्या कर रहा है सैम एंटिटी जो है जो है वो फॉलो कर रहा है राहुल को सो सैम राहुल फॉलोज़ राहुल राहुल ऑल्सो सैम नेक्स्ट देखते हैं कि राहुल फॉलोज़ गीता एंड गीता ऑल्सो फॉलोज़ राहुल अभी क्या हो रहा है कि गीता फॉलो सैम बट सैम डजन फॉलो गीता तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ इन फॉर्मेट में दिखाया है सो दिस वॉज़ अबाउट ग्राफ डेटा बेस तो आज हमने देखा है कि नो एसक्यूएल क्या होता है और उसके टाइप कौन से होते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही एंड कीप वॉचिंग आगे नो एसक्यूएल के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब